से आपको विद्या का कार्य था। ये और ये जो लोग हैं ये 22-25 साल के होंगे, बेटे बेटे आकर और ये छूट लेगा। अब देख लेना जी पूरी दुनिया में, दुनिया की दुनिया में भारत बहुत बड़ा ये करो, ये भाई 22 साल के बच्चे करने वाले अब माफी के लिए उसे क्रिएटिव इकॉनमी, एंटरटेनमेंट इकॉनमी में से अब जो क्रिएटिव इकॉनमी की तरफ की बोल रहा हूँ, मैं पक्का मानता हूँ जब ग्लोबल मार्केट के बारे में क्रिएटर जो है क्रिएटिव अपनी करने वाले ओपन मार्केट को एक्सपैंड करेंगे। चले ग्रीन और बड़ा अवसर ग्रीन हाइड्रोजन पर मीडिया कर रहे हैं। नए हवाई जहाज का ऑर्डर, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिला था, वो क्या क्या कर सकते हैं, दही भी लाना ना अपने जो विधिवत काम की भारत में आज मैं समझता हूँ गरीब को एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा हाथ है तो विधिवत ग्रोथ और समय का कम कर रहे हैं विधिवत ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद कर रही है। मैं समझता हूँ कि AI मानना भारत पूरी दुनिया को लीड कर और हमारे साथ उसके बाद जो टैलेंट है लीड कर सकता है तो हम अपना यूनिक क्या हमारे जो काफ़ी काम कर सकते हैं। दूसरा हम देखा होगा नया भी कंटेंट क्रिएटर को गेमिंग वाले उन्होंने एक बात भी सुना है क्या कारण है बेटा बहुत सोचता है दुनिया में उनका एक काम नकार है। मैं दुनिया की गेमिंग कॉम्पिटिशन में जाता हूँ इतना महंगा पड़ता है भारत में जब भारतीय लोग आते हैं तो आओ इतने में मैं उसके बाद हर भी एक नया क्षेत्र खुला है। चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह दुखी कंसल्टिंग एडिटर थे IANS और साथ में से जुड़ने के लिए डॉक्टर अमन से पहले आपसे समझना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का आपने बयान सुना इंडिविजुअल के साथ बातचीत में उन्होंने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी उन्होंने जिक्र किया कहा कि बेरोजगार विपक्ष को हम देख रहे हैं चुनाव हो गई उसको एक बड़ा मुद्दा उसने एनडीटीवी में जब तक रविश कुमार था तब तक इंटरव्यू देने नहीं आए नौकरी छोड़ा तब जा करके आए। देखिए हमें समझना पड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेफिनेटली अप डाउन भी हुआ और साथ में जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है वो काफ़ी वीक एंड डाउन से ग्रो कर रहा है। एंड सिर्फ मैं एंटरप्रेनरशिप की बात नहीं करूँगा मैं काफ़ी यही कहूँगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन जो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर पिछले 10 साल में जो 16% से गिर गया था UPA गवर्नमेंट के दौरान वो 30% ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अगर ये कैपेक्स जो है इंक्रीज करा जिसके कारण डिजिटाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐसी कई तरह की अडेप्टिबिलिटी हो रही है जहाँ पे कई तरह के डिजिटल बेस्ड व्यवसाय पैदा हो रहे हैं कई तरह के वर्क फ्रॉम होम व्यवसाय पैदा हो रहे हैं कई तरह के एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स पैदा हो रहे हैं कई तरह के आज आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके लिए कई तरह के एंटरप्रेन्योरशिप कोडिंग वाले लोग पैदा हो रहे हैं कि ना सिर्फ डिजिटाइजेशन साइड पे बट कई तरह के कैपेक्स जो हम हर रोज देख रहे हैं चेंजेस होते हुए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे एयरपोर्ट है चाहे कई जगह प्रॉब्लम ये होती है कि जो आप इस वजह से देखते हैं कि रोजगार और नौकरी
ये दोनों में थोड़ा सा एक फाइन डिस्टिंक्शन है, और बहुत सारे लोग जो इससे बात करते हैं वो तो इसको सिर्फ सरकारी नौकरी के नज़रिए से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, स्टार्टअप के सेक्टर में हो, स्पेस के सेक्टर में हो, बाकी किसी भी सेक्टर में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, या मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ले लीजिए जिसमें तमाम तरह के एजुकेशनल हैं, तो वहाँ की पढ़ाई के लिए या वहाँ काम के इंस्टीट्यूशन के लिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं तभी ये रोजगार का सृजन हुआ है। तो जो आपका पी पी एफ का डेटा है उसके साथ में बाकी जो जितने तरह की योजनाएँ चल रही हैं उसमें रोजगार का सृजन हुआ है। समस्या ज़्यादा कि सोच सकते हैं कि उस चीज़ को समझने की और दूसरे पोलिटिकल व्यक्ति की, तो अगर प्रधानमंत्री जी प्रयास उन्होंने कि अपने इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया कि नंबर ऑफ स्टार्टअप थे, अगर हम देखें कुछ जमाने में आज से 10 साल पहले 350 प्रतिदिन गरीब के सारे बदल चुके हैं, एंड आज के में अंदाजा 170,000 के करीब बता कैसे काट साइड में कैसे काटना बता।